नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई में सौरभ में स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो जो है वो गेट मैकेनिकल मैथ्स पार्ट 2019 का सेकंड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पैराबोला है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जिसको रिवॉल्व करने पर इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम पूछा गया है और इसमें रेंज दे रखी है, वो एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में एक्स लाई करता है। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। वी इज इक्वल टू होता है पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं याद है तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ कर्व, किसी कर्व को रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड बनता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। बाकी यहाँ पे एक्स की लिमिट्स में हम लोग एक्स की रेंज लगाते हैं, तो एक्स की रेंज यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 0 से लेके 1। तो एक्स जो है वो 0 से लेके 1 तक ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो एक्स का मान हम रख देंगे 0 से लेके 1 रख देंगे। ठीक, लिमिट्स हमने लगा दी है 0 से 1, ये 1 लगा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये लोअर लिमिट इसकी 0 है। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पाई, हाँ कर्व का इक्वेशन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, तो हम वाई स्क्वायर के प्लेस पर, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम रखेंगे एक्स। ठीक है, तो ये रखते हैं 0 से 1, तो लिमिट हो गई। वाई स्क्वायर के प्लेस पर रखेंगे एक्स डी एक्स, बहुत सिंपल है ये पाई। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बाकी अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से 1। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 2, अपर लिमिट में 1 माइनस 0, तो फाइनली 1 माइनस 0 1, दैट इज पाई बाई 2। तो वॉल्यूम कितना आ गया पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चार ऑप्शन जो गिवेन है उनमें पहला आंसर पाई बाई 4 है, बी आंसर जो है वो पाई बाई 2 है। हमारा वॉल्यूम कितना है पाई बाई 2। तो वॉल्यूम ऑफ अ कर्व अ पैराबोला एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको रिवॉल्व करने पर 0 से 1 में जो वॉल्यूम कवर करेगा वो पाई बाई 2 होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 जो आंसर है वो करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को लगाना कितना आसान है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।